वजह से चौखे से फेरे करवा दो। ओहो, हाँ। बस फिर तो मैंने को किताब खोलनी पड़ेगी। लो जी बढ़िया फेरे, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देव सागर है पात रूप संसार। समझे? समझे नहीं, समझ जाओगे। दो दिन बच्चे हो जाएंगे ना जब समझोगे। उल्लू के पट्टे तू भी काट के देखी मैं। प्लीज दे भाई। मैं तो नहीं दूं। भाई उधारे दे दे। दे दो उधारे दे दो कि कोई बात नहीं। ब्याह समेत लौटा देना 15 रुपए। सुखी रहो जजमान नैन थारे दोनों फूटे, और गिर गोड्डा के तान तान थारे 32 टूटे। पंडित अंकल वो करवाओ नी, सात फेरों के सातो वचन, प्यारी दुल्हनिया याद तू रखे ना। रखेगी यार, याद रखेगी। पहला वचन। रुक जाओ पंडित जी। बोलो। शादी हमारी हो रही है। ठीक, तो वचन आप क्यों देंगे? नहीं नहीं, आप ही दीजिए। हाँ, मैं अपने वचन साथ के साथ खुद बना के लेके आई हूँ। मेरा पहला वचन। बोलो बेटी। घर इनका है ये। हाँ? लेकिन इस घर में अब हुकूमत मेरी चलेगी। मेरा दूसरा वचन कि हम जितने भी काम है वो मिल बांट के करेंगे, जैसे कि खाना ये बनाएंगे और खाऊंगी मैं। वाह वाह वाह, क्यों भाई तेरी समझ में आ गई? आ गई। तीसरा वचन कि जब रात को मैं थक हार के घर का सारा काम करके सोने के लिए जाऊंगी ना, तो मेरे पैर ये दबाएंगे। हाँ भाई तुम्हें मंजूर है? मंजूर है, मेरा दोस्त भी बुला लूंगा। बिटिया कभी भी ये दुखी करे, शराब पिए, जुआ खेले, एक लट बना के रखना, और दे तेरे की। घर गृहस्थी बसाने के लिए पति को मारने में पीटने में कोई बुराई नहीं। पंडित जी मैं उल्टो क्यों कर चलूंगा? अरे ऐसा नहीं। जब तुम्हारी पत्नी के लठ बजेंगे ना, तुम बिल्कुल सीधे चलेगो, और ये तुम्हारी आंख भी सीधी हो जाएगी बच्चा। पंडित जी लट भी मैं खाऊंगा, बर्तन भी मैं धोऊंगा, अरे नहीं रोटी भी मैं बनाऊंगा। मेरे पास इतना सारा काम खोलिए, यह करो ब्याह ये कर लो, मैं तुमको भाई मुड़ जाऊंगा।